हेलो क्लास, लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 1.1 इंट्रोडक्शन पार्ट। बच्चे आप प्रीवियस वीडियोस विच कवर कर चुके हो, सो आप हम सम्स कर दें एक्सरसाइज 1.1 दे। फर्स्ट पार्ट दे विच देखो बच्चे की क्या है इन्होंने, यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड दिस वैल्यू। हम इस वैल्यू ना आप कैलकुलेट करके फाइंड करना, सो आप गिवन वैल्यू यही हैगी है, आप इन सोल्व कर दे -2/3 × 3/5। हुण गिवन स्टेटमेंट च देखो राजे, 3/5 इथे भी गिवन है ते इथे भी, ए मल्टीप्लाई दे विच एक स्टेटमेंट है, ए सेकंड स्टेटमेंट है ते ए अलग थर्ड स्टेटमेंट पई है। सो आप पहला कॉमन वाले एक साइड कर लेंगे, दैट इज -3/5 × 1/6 +5/2 जेड़ा हैगा और लास्ट ते चल जाओ। ए आपा प्रॉपर्टी यूज कीती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जो आपा ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस विच। सो ए देखो राजे, 3/5 और 3/5 दो स्टेटमेंट्स ने, इन्हों 3/5 कॉमन आ रहा, सो आप इन कॉमन कर लेंगे 3/5, अंदर की रह गया -2/3 - 1/6 +5/2 जरा है वह अलग निकल गया। देन आप इन राजे सोल्व करेंगे, पहला 3/5 एलसीएम लवेंगे कि आजगे राजे 6 -2 × 2 इथे 3 वैल्यू सी, एलसीएम आया अपना 6, डेट मीन्स ऊपर मल्टीप्लाई होगा 2 -1 एज इट इज +5/2। अगे देखो राजे, अगर इन आप सोल्व कर दिया तो की वैल्यू आओगी अपनी 2 × 2 -4 -1 एज इट इज /6 +5/2 वैल्यू। देन 3/5 मल्टीप्लाई -4 + 1 = 5/6 +5/2 विच इज इक्वल्स टू 3/5 × -5/6 +5/2। ब्रैकेट नू अगर आप हटावे तो माइनस का ही साइन आएगा। देन इन अगर आप सोल्व कर दें तो वैल्यू आऊगी अपने को, सब तो पहला इन्हों सोल्व करा एज अकॉर्डिंग टू बॉड मास। B means bracket, O means order, D means divide, M means multiplication, A means addition and S means subtraction. So, it which aapa pehla bache ki solve karange, multiplication. So, 5 na 5 cutting hogi 1, 3, 2 is a 6, that is -1/2 +5/2, which is equals to, agar aapa LCM lehiye to thalle aajuga 2, upar aage -1 + 5, which is equals to 4/2. प्लस माइनस माइनस पर साइन केड़ा वड्डा प्लस द, सो अपना आंसर 4/2 विच इज इक्वल्स टू 2, सो आंसर इज 2। सेकंड सम दे विच भी आपां नूं दित्ती हुई है वैल्यू, इनू आपां एप्रोप्रिएट कोई भी प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व करना वा। इहदे विच भी वैल्यू राजे देखो, हुण आह एक स्टेटमेंट दित्ती हुई है, देन इह दूजी ते इह तीजी स्टेटमेंट दित्ती हुई है। इहदे विच अगर आपां देखिए तां 2/5 इत्थे भी है, 2/5 इत्थे भी है। देन अरेंजिंग बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, 2/5 आप फिर अगेन कॉमन कर लेंगे इन्हां दे विच्चों, इस स्टेटमेंट नूं ते इस स्टेटमेंट दे विच्चों 2/5 आप वैल्यू कॉमन कर ली, बाकी जो सी अपना अंदर यह वैल्यू रह गई राजे -1/4। यह वैल्यू कित्थों आई राजे देखो, सब तो पहला आपां नूं स्टेटमेंट जो गिवन दित्ती हुई सी उहदे विच 2/5 आपां नूं वैल्यू जिहड़ी सी उहनां दी स्टेटमेंट नूं आपां रीअरेंज कर लिया एक साइड ते, दैन दूजी वाली स्टेटमेंट अलग कर ली। इहदे विच कटिंग हो गई 3, 2 या 6, 2/5 कॉमन कटिया बच्चे। देन उस तो बाद जो ब्रैकेट दे विच अपने को बच गया वो की हैगा -3/7 + 1/14। लास्ट दी स्टेटमेंट अपने को केड़ी बची सी, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, डेट इज 1/4। देन उस तो बाद अपने 2/5 कॉमन कटन दे बाद आपा की कीता, सेम एज फर्स्ट सम वांग इन्हां दे विच आपा एलसीएम ले लिया विच इज 14, इथे वैल्यू सी 7, सो उपर जाके की होगा 2 मल्टीप्लाई होगा, इथे 14 एज इट इज पे आसी ता +1 एज इट इज आ गया इथे। देन By solving these values, अपने को की equation आ गई 2/5 - 6 + 1/14 - 1/4। सो पहला आप ब्रैकेट में सोल्व करेंगे, इन्हें सोल्व करके अपने को वैल्यू आ गई -5/14 × -1/4। सो इन्हों सोल्व किया आप पहला इस ब्रैकेट नू, देन बाय टेकिंग एलसीएम अपने को वैल्यू आ गई -11/28 विच इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। नाउ देखो बच्चे, हम सैकेंड पार्ट दे विच अपने को की किया हुआ,
राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. एडिटिव इनवर्स ने किया, एडिटिव इनवर्स ही अपना प्रॉपर्टी रहा जाए, सिक्स प्रॉपर्टी से जो आप देख चुके हैं. एडिटिव इनवर्स के अंदर जो अपने को वैल्यू गिवन है वो ओपोजिट साइन दे विच आप आंसर देना. डैट मीनस 2/8 का जो है एडिटिव इनवर्स अपना की होगा. अगर ये प्लस दे विच अपने को गिवन है तो यदा एडिटिव इनवर्स होगा -2/8. हुण अगर इनू आप प्रूव करना तो आप किवें कर सकते हैं. एडिटिव इनवर्स लई आ फर्स्ट वैल्यू तो सैकेंड वैल्यू दोनों नू आप एड करांगे. 2/8 प्लस -2/8 विच इज इक्वल्स टू 2/8 प्लस माइनस -2/8. बाय टेकिंग एलसीएम किया गया राजे अपने को 2 - 2/8 विच इज इक्वल्स टू 0. हुण इथों प्रूव हुंदा कि यह जिहड़ी वैल्यू हैगी यह अपनी ट्रू वैल्यू आ ऑफ एडिटिव इनवर्स. जो अपने दोनों का एडिशन करे तो अपने को आंसर 0 आ जाए तो मतलब यह वैल्यू अपनी ट्रू हैगी. सो सेम इहदे अकॉर्डिंग अगर आप देखिए -5/9 का एडिटिव इनवर्स की होगा अपने को एक ही प्रेजेंट है माइनस विच प्रेजेंट है दैन यदा एडिटिव इनवर्स का ऑपोजिट साइन दैट इज +5/9. सेम तुसी इन्हें भी प्रूव कर सकते हो बाय एडिंग बोथ द इक्वेशन -5/9 +5/9 which is equals to -5 + 5/9 and is equals to 0, which gives the additive inverse properties answer. Same ऐदा ही राजे तुसी इहदे बाकी दे सम भी सोल्व कर दो, बाकी दे पार्ट्स भी सोल्व कर सकते हो. हुण देखो राजे अपने को थर्ड पार्ट च क्या होया इन्होंने, वेरीफाई डैट -(-x) इज इक्वल टू x. ये अपने को स्टेटमेंट दिती. हुण इहदे विच अपने को x की वैल्यू दिती हुई है 11/15. पहला आप एक सम सोल्व करके देख लेने, आप सोल्व करेंगे एक्स इज इक्वल टू -13/17 के लिए. सो अपने को स्टेटमेंट की सी -13/7 -(-x) इज इक्वल टू एक्स. एने क्या पुट करो तो वेरीफाई करो कि लैफ्ट हैंड साइड जोड़ा है राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं. सो आप की करेंगे बच्चे, एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे जो अपन गिवन है -13/17 फर्स्ट लैफ्ट हैंड साइड के -(-x) की वैल्यू कितनी है राजे -13/17 जिन्हों आप ब्रैकेट दे विच लिखांगे तो इनू अगर आप सोल्व करते हैं तो राजे अपने को वैल्यू की आऊगी. पहले बाहर वाला माइनस एज इट इज प्यार होगा, अंदर वाला -(-) प्लस दी 13/17 वैल्यू आ गई विच इज इक्वल टू +(-) -(13/17. हुण अगर आप राइट हैंड साइड देखिए तो ओहदे विच अपने को क्या सी एक्स की वैल्यू. सो एक्स की वैल्यू अपने को किन्नी गिवन सीगी स्टार्टिंग दे विच -13/17 विच इज -13/17. सो इथों आप मानू की प्रूव हो रहा कि लेफ्ट हैंड साइड दी वैल्यू इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड. जो अपने को स्टेटमेंट गिवन सी उस अकॉर्डिंग आप इन वेरीफाई करता. सेम इहदा सैकेंड सम भी तुसी राजे इस तरीके नाल ही सोल्व करना. जो स्टेटमेंट दिती है बस उहदे विच एक्स की वैल्यू पुट कर देनी है. लैफ्ट हैंड साइड से अगर आप पुट करिए तो 11/15 आप वैल्यू पुट करांगे, -(-) विच इज 11/15. तो एक्स की वैल्यू भी अपने को सेम दिती हुई सी 11/15. सो लैफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड दे इक्वल आ गई, हैंस वेरीफाइड द आंसर. हुण राजे इत्थे क्या, फाइंड द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग. हुण इत्थे मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी लगेगी. हुण स्टेटमेंट अपने को स्टेटमेंट दिती हुई राजे -13. हुण इहदे अगर आप देखिए तो रैशनल नंबर दे विच अगर थले कोई वैल्यू प्रेजेंट नहीं है तो उत्थे की होगा 1. हुण इस दा अगर आप मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स देखिए, इनवर्स मीन इहदी ओपोजिट साइड दैट इज 1/13 एंड माइनस साइन इत्थे आ जाएगा. हुण अगर आप देखिए अपना आंसर सही है या नहीं उहदे लई आप की करेंगे, इनू प्रूव करेंगे जो आप मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी दे विच कीता सी. दैट मीनस दोनों इक्वेशन नू आप आपस दे विच की करेंगे मल्टीप्लाई, which gives the answer -1 किया जो अपना +1. That means it shows the multiplicative inverse property which is -13. दी वैल्यू किन्नी आ गई राजे अपने को +1. ए तो अपन प्रूव हुंदा कि अपनी जिहड़ी वैल्यू सीगी 1/13 माइनस दा और अपना आंसर जिहड़ा हैगा वह सही हैगा. सेम अगर आप देखिए राजे सैकेंड सम दे विच -13/19 अपने को दिता हुआ स्टेटमेंट, एदा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्यों एदा ओपोजिट दैट इज -19/13. अगर यह प्रूव करना तो दोनों स्टेटमेंट अगर आप आपस मल्टीप्लाई करिए तो अपने को अगर आंसर आ रहा 1 का तो अपना आंसर जो है अपना सही है. 19 कट किया 1, 13 1 विच इज इक्वल टू -1 × -1 -(-) विच इज इक्वल टू +1. दैट मीन्स अपना जो आंसर सेगा -19/13 यही अपना सही आंसर हैगा. सेम तुसी राजे ये बाकी दे पार्ट्स भी
सोल्व कर सकते हो। हुण एक सम हैगा इहदे विच माइनस 5/8 इंटू माइनस 3/7, इहदा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कढ़ने लई पहला आपां इन्हां नूं आपस च मल्टीप्लाई करांगे। माइनस माइनस प्लस, 5 3 15 एंड 7 8 56। सो इहदा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स की होगा राजे, इहदा ऑपोजिट, दैट इज 56/15। सो प्रूफ करन दे लई आपां की करांगे राजे, दोनों नूं आपस च मल्टीप्लाई कर दांगे। 15/56 इंटू 56/15, कटिंग होके कितना आंसर आया 1, विच शोज दैट दिस इज द ट्रू आंसर। नेक्स्ट पार्ट दे विच बच्चे इन्होंने क्या, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। प्रॉपर्टी का नाम दसना, इहदे विच मल्टीप्लीकेशन दे विच जो अपने स्टेटमेंट गिवन है आपां दसना कि केड़ी प्रॉपर्टी इच जिहड़ी है ओह यूज हो रही है। हुण फर्स्ट स्टेटमेंट च आपां नूं गिवन है -4/5 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1 इंटू -4/5, आंसर की आ रहा है इन्हां दा -4/5। इह केड़ी अपनी प्रॉपर्टी शो करदे पए, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, दैट इज अगर आपां ए पार्ट मान लो इहनूं आपां लिख कर लैने ए इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1 इंटू ए, तो अपने को आंसर जिहड़ा हैगा वैल्यू की आ रही है ए, विच शोज द मल्टीप्लीकेटिव, दैट इज मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी मीन्स 1। तो ए वैल्यू की शो हो रही है, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी इहदे विच यूज हो रही है। सैकेंड स्टेटमेंट च देखो -13/17 इंटू -2/7 इज इक्वल टू -2/7 इंटू -13/17, एट शो कर दिया ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, दैट मीन्स शो करते पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, दैट मीन्स अगर ए इंटू बी कर लिए या फिर बी इंटू ए कर लिए, रिजल्ट इन्हों का की रहा हमेशा सेम ही आएगा। थर्ड सम च देखो राजे, -19/29 इंटू 29/-19, ए आपां नूं की प्रॉपर्टी शो करदे पए, इज इक्वल टू किन्ना आ रहा 1, दैट मीन्स हुणे जो आपां पिछे भी सम सेम आपां करके हटे आ, कटिंग करके इन्हां दा की आंसर आ रहा 1। ए आपां नूं की शो करदे पए, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, किवें जो आपां नूं स्टेटमेंट इत्थे गिवन है 19/29 ओहदा ही इनवर्स आपां नूं दित्ता होया इत्थे 29/19, विच शोज द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। नेक्स्ट सम देखो राजे, इहदे च आपां नूं की कहा, मल्टीप्लाई करना 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16, दैट मीन 16/13 नूं मल्टीप्लाई करना रेसिप्रोकल की दे -7/16 दे नाल, विच इज इक्वल टू 16/13 इंटू रेसिप्रोकल की होगा राजे इहदा इनवर्स 16/7 माइनस दा। सो इहनूं आपां मल्टीप्लाई करांगे तां इहदा आंसर की आऊगा 96/91। नेक्स्ट 7 सम दे विच देखो राजे की क्या होया, टेल वट प्रॉपर्टी अलोज यू टू कम्प्यूट। इस दे विच भी आपां प्रॉपर्टी दसांगे, स्टेटमेंट की गिवन है अपने कोल -1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 एस 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3, लेट कर लैने 1/3 हैगा अपने कोल ए इंटू 6 हैगा बी इंटू 4/3 हैगा सी, कहिंदे इहनूं अगर आपां एस दा लिख दिए ए इंटू बी ब्रैकेट क्लोज इंटू सी, तो यह अपनी केड़ी प्रॉपर्टी शो करते हैं, एसोसिएटिव ऑफ मल्टीप्लीकेशन, दैट मीन्स ए इंटू ब्रैकेट बी इंटू सी कर लिए या ए इंटू ब्रैकेट बी इंटू सी कर लिए, दैट मीन्स इहदा आंसर जिहड़ा हैगा ओह सेम आंदा, विच शोज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। अगली स्टेटमेंट च देखो राजे की क्या, इथे पुछा इज 8/9 द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ -1/8 वाई और वाई नॉट। इन्होंने पूछा कि 8/9 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स यह है या नहीं। हुण 8/9 का राजे अगर आप देखिए मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स की होगा, पहला आप इन्हें सोल्व करते हैं, -1/8 इज इक्वल टू 8 1 8 प्लस 1 9, दैट इज -9/8। हुण 8/9 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स की होंगे राजे, ओदा ओपोजिट, दैट इज 9/8, वैल्यू सेम है बट साइन अगे सेम नहीं है, इतने प्लस का साइन है, इतने कि साइन है माइनस का, दैट मीन्स दिस इज not the multiplicative inverse of 8/9 is not the multiplicative inverse of -1/8, क्यों, क्योंकि इतने साइन जेड़े सीगे अपने की आगे ऑपोजिट आ गए। सेम सैकेंड स्टेटमेंट विच की क्या होया, इज 0.3 द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1/3 वाई और वाई नॉट। 3 1/3 नूं अगर आप सोल्व करिए तो की होगा राजे, 3 × 3 9 9 + 1 10 10/3 अपनी वैल्यू आ गई। हुण 10/3 नूं अगर आप देखिए तो इन्हू सोल्व करके की आंदा 0.3, दैट इज द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 10/3 इज 3/10। हुण 10/3 का अगर आप मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स देखिए तो अपने को ऑपोजिट आऊगा, दैट इज 3/10, इन्हू सोल्व करे तो अपने की आंदा 0.3,
That means yes, 0.3 is the multiplicative inverse of 3/1/3. Tenth दे विच देखो राजे की क्या है. Write क्या the rational number that does not have a reciprocal. ओ rational number दसो जिदा reciprocal ना हो. That means rational number आपने कहे होंगे p by q form दे विच. हुण 0/1 दा अगर आप गल करिए, 0 जिथे भी उपर प्रेजेंट हो आंसर हमेशा की आंदा 0. That means एदा की है reciprocal नहीं possible. Second statement, the rational numbers that are equal to their reciprocal. O rational numbers जिदा reciprocal भी O ही होन, same ही होवे. That is 1. 1/1 कर लिया, उदा reciprocal भी की आएगा 1/1. Same values होन गया. The rational number that is equal to their negative. ओह rational number जिदा equal होवे उदे negative दे भी, that is 0. मतलब plus the 0 होवे, minus 0 होवे, उदी value जिदी होंदी हमेशा equal ही रन दी है. Now filling the blanks. 0 has dash reciprocal. 0 the koi reciprocal nahi hunda. 0 has no reciprocal. 0 by something kuch bhi kar lo, 1, 2, 3, ta oda answer hamesha ki rehnda 0. Oda koi reciprocal nahi hoega. The number dash and dash are there on reciprocal. Khud di reciprocal kehde hunde ne 1 and minus 1. 1 da reciprocal bhi ki hoega raje, 1 hi aayega, aur minus 1 da ki aayega, minus 1. The reciprocal of minus 5 is, minus 5 the reciprocal, thale kuch nahi hai, that means value hai ghi hai 1, either reciprocal kiya jayega apne ko, minus 1/5, that means either opposite. Reciprocal of 1/x, where x is not equal to 0, that means jo apne present value hai, q the value, denominator apna 0 nahi hai ga, ta either reciprocal kiya jayega, either opposite, that is x. The product of two rational numbers is always a rational number. कोई भी दो रैशनल नंबर लेट कर लो, 1/2 × 3/4 करिए, तो इन्हों का हमेशा आंसर भी की आएगा, एक रैशनल नंबर ही आएगा. द रेसीप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज डैश, डैट इज पॉजिटिव. कोई भी अपना रैशनल नंबर जिमें आही लेट कर लो, इन्हों आप पॉजिटिव साइन के नाल है, इन्हों आप मल्टीप्लाई करांगे तो उन्होंने आंसर भी की आएगा पॉजिटिव साइन के नाल ही आएगा, विच इज पॉजिटिव. सो क्लास दिस इज यूअर एक्सरसाइज 1.1. फर्दर वी विल डिस्कस इन अ नेक्स्ट लैक्चर.